कांग्रेस पार्टी पूरे एक्शन के मूड में है। चुनाव परिणाम बेशक कांग्रेस के हक में ना रहे हो, लेकिन कांग्रेसी पूरे आश्वस्त है और 2024 मिशन की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में 13 नवंबर को कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा नेतृत्व करेंगी। कुरुक्षेत्र जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें 13 नवंबर के प्रदर्शन को लेकर तैयारियां की गई और ड्यूटी लगाई गई। इस प्रदर्शन के संयोजक अशोक अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और प्रदेश में जिस तरह आज हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, खासतौर से किसान जिनकी फसल मंडियों में पड़ी है, खरीद नहीं हो रही, प्याज के भाव आसमान पर है, साथ ही युवा वर्ग और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी आमजन की समस्याओं की आवाज बनकर 13 नवंबर को कुरुक्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन करेगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा पार्टी ने 75 पार के नारे को खूब प्रचारित किया, जिसका असर पड़ा और करीब 20 सीटों पर बहुत कम अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं, वरना कांग्रेस की सरकार निश्चित बनती। कांग्रेस की इस मीटिंग में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री हरमोहिंदर चड्ढा, लाडवा विधायक मेवा सिंह भी पहुंचे। हमारे हरियाणा प्रदेश में आज से शुरू हो पहली जीत तो कांग्रेस पार्टी की मैं इस बात के लिए मानता हूं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं। सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करके उसके विरोध में जब ये कहा कि हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, रैली में करेंगे, तो पहली जीत तो कांग्रेस पार्टी की उस दिन हुई। जो लोग एफडीआई का विरोध करते थे, कहते थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी वाले एफडीआई का विरोध करते थे और उन्होंने तो 89 कानून पे